नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में अब तक के नियम के अनुसार जो विद्यार्थी ओवर एज थे उन्हें पहले हाई कोर्ट में याचिका लगानी होती थी और उसके बाद ही वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते थे और याचिका लगाना कंपलसरी था अब तक के नियम के अनुसार। लेकिन इस पर कल हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इस नियम में परिवर्तन किया है। उस आदेश में यही बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को आयु सीमा में छूट दी जाए और प्रत्येक विद्यार्थी का हाई कोर्ट में आना जरूरी नहीं है। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ और ये है कि आयु सीमा में छूट देने के साथ हाई कोर्ट ने कहा कि जो इसकी लास्ट डेट है उसको भी बढ़ाने पर विचार किया जाए। तो ये निर्देश कल राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से जारी किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ पर और आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं जी राजस्थान न्यूज़ ने ये कल ट्वीट किया था। ये आप देख सकते हैं जी राजस्थान न्यूज़ का ये जो ट्विटर अकाउंट है और ये कल की डेट आप देख सकते हैं 14 दिसंबर 2017 7:20 पर ये ट्वीट किया था। तो अगर आप ये ट्वीट देखना चाहते हैं तो ये जी राजस्थान न्यूज़ का जो ट्विटर अकाउंट है आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और इसमें जो आदेश जारी किया है कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती मामला, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए अहम आदेश, सभी आवेदकों को दी जाए आयु सीमा में छूट, हर आवेदक को हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं, कहा आयु सीमा में छूट पर 15 दिन में हो फैसला, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने पर हो विचार। जस्टिस SP शर्मा की अदालत ने दिए आदेश। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, कल की न्यूज़ है, 14 दिसंबर को ये ट्वीट किया था जिसमें जैसा कि पहले यही था कि प्रत्येक विद्यार्थी जो ओवर एज था उसको किसी ना किसी एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका लगानी होती थी, उसके बाद उसको वहाँ से आदेश मिलता था और उसके बाद वो पुलिस मुख्यालय में या जिला पुलिस मुख्यालय में जाकर वहाँ पर अपना ऑफलाइन फॉर्म उसको भरना होता था। तो उसमें अब परिवर्तन हो गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर विद्यार्थी ओवर है तो उसको अब मौका दिया जाएगा, बिना कोर्ट की इजाज़त के वो आवेदन कर सकता है और इसका निर्णय 15 दिन में कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो इसकी आवेदन तिथि है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो आवेदन तिथि जो कि 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हो सकती है। जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है कि फैसला आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने पर हो विचार। तो अगर सभी विद्यार्थियों को आयु में अगर छूट दी जाएगी तो निश्चित रूप से एक बार डेट और एक्सटेंड होनी है क्योंकि सभी विद्यार्थी कोर्ट नहीं जा सकते, सभी विद्यार्थी याचिका नहीं लगा सकते। तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जाना लगभग संभव ही है कि अगर आयु सीमा में छूट देंगे तो उन्हें शायद एक बार डेट और एक्सटेंड करनी होगी। ये अभी केवल हमारा अनुमान है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मैं अपनी केवल जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बाकी आप आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही इससे संबंधित कोई नया अपडेट उसकी सूचना हमें मिलेगी तो आपको सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने जो भी आपके मित्र हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो एक दूसरे की मदद ज़रूर करें और उन्हें भी इस न्यूज़ की सूचना उनके पास तक पहुंचाएं। अगर कोई ओवर एज विद्यार्थी हैं वो अगर आवेदन करना चाहता है या उसने अभी तक याचिका नहीं लगाई है तो प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है तक कि उनके पास भी ये न्यूज़ पहुँचाएँ और उन्हें भी इस बारे में जानकारी दें। थैंक यू, धन्यवाद।